हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं एकदम परफेक्ट जीरा राइस बनाने जा रही हूँ। तो आइए चलते हैं आज के इस मजेदार रेसिपी की तरफ। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो आइए चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ मैंने कुकर गर्म होने के लिए रख दिया हुआ था और उसमें डाल दिया 2 चम्मच तेल। आप घी में भी बना सकते हो, जैसे मन करे आपको। और ये चावल मैंने लिया है, जो बिरयानी वाले चावल आते हैं ना वही। तो इससे ना बहुत अच्छे जीरा राइस बनते हैं और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो तेल गर्म हो गया तो मैंने इसमें डाल दिया 1/2 चम्मच बड़े वाले चम्मच से जीरा, क्योंकि मैंने 1 kg चावल लिया हुआ है। और ये रहा 1 इलायची, बड़ी इलायची को मैंने तोड़ के डाल दिया। और 1 हरा मिर्च हो गया, जिसको मैंने बीच से कट किया हुआ था। और जीरा को एकदम अच्छे से पकने देंगे ताकि बहुत अच्छा टेस्ट आए इसमें, क्योंकि जीरा राइस ही हो रहा है, बन रहा है, तो बहुत अच्छा टेस्ट आना चाहिए। तो इसको बहुत अच्छे से मैंने पका लिया। उसके बाद चावल को धो के रखा हुआ था वो इसमें मिला दिया। तो आप देख सकते हैं चावल डालने के बाद मैं बहुत अच्छे से इसको चला रही हूँ। 1 मिनट तक इसको ऐसे ही चलाएंगे, इसको मतलब कि थोड़ा सा चला देंगे, ताकि बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसको चला लेंगे 1 मिनट तक। और उसके बाद से इसमें पानी डालेंगे। तो गाइज, आप अगर एक गिलास चावल बना रहे हो तो उसी ग्लास से आपको 1.5 कप पानी डालना है। तो मैंने तो यहाँ 1 kg चावल बनाया तो उसके अकॉर्डिंग पानी डाला है। तो और उसके बाद इसमें 1 चम्मच नमक मैंने डाल दिया और इसको बहुत अच्छे से मिला देंगे चारों तरफ से। और याद रहे, सिर्फ 1 गिलास चावल के लिए 1.5 का उसी ग्लास से 1.5 गिलास पानी और बस 1 सीटी। तो 1 सीटी मैंने दिला दिए हैं और ये देखिए एकदम खिला खिला जीरा राइस बन के रेडी है। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा बनता है ये जीरा राइस। कभी भी आपको रेस्टोरेंट का जीरा राइस खाने का मन करे तो आप इस जीरा राइस के रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत जल्दी बनता है। तो आप ये वीडियो इन तक देखना और ज़रूर ट्राई